तो हेलो गाइस, आज के इस शॉर्ट में वीडियो में आई मीन वीडियो में मैं करूंगा सॉल्व रूबिक क्यूब, नॉर्मल रूबिक क्यूब। पीछे स्क्रैम्बल हो रहा है अभी, तो स्क्रैम्बल तो ब्लाइंड विद ब्लाइंड फोल्डेड, इतना ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, तो ये रहा क्यूब और मैं ब्लाइंड फोल्ड, मुझे कलर याद नहीं होते तो ये उसके लिए है। यहाँ पे जैसे शेपें बनी हुई हैं, तो इसके कारण मैं ऐसे फील करके सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो चलो पहले ब्लाइंड फोल्ड, और मैं अगर कोई चीटिंग करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए चीटिंग नहीं करनी। बात ये बस करना है, चीटिंग ना करूं, वैसे मैं करने भी नहीं वाला, पहले ही बताता हूँ। हाँ जी, मैं अपने वाला तो लगा लिया, बाकी तुम टेस्ट कर लो। ए है गया 5, ओके 10। ओके, तो अब आपके सामने करूंगा मैं इसको सॉल्व की तरह। हाँ, तो ये रहा मेरा रूबिक क्यूब। तो चलो ये रहा व्हाइट वाला पासा, हम सबसे पहले व्हाइट ही करना मैं पसंद करता हूँ। तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। अरे यार मिल जा। हाँ ओके, ये रहा एक मिल गया मुझे, तो बूम एक लग गया, एक और मिल गया, इसी का ही है। तो गाइस मैंने एक्चुअली में फास्ट इसलिए कर दिया था इसको, क्योंकि मैं थोड़ी बकबक कर रहा था फालतू में, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि आप बोर ना हो। वो ओके, इंजॉय करो इसे। हाँ अभी मैं इतनी बातें नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट हूँ सॉल्व करने में। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ना या तो एक ऐसे एल्सा बनना चाहिए या तो स्ट्रेट लाइन, ये तो पूरा प्लस जो कि नहीं है, इसका मतलब मैंने कोई ना कोई गड़बड़ तो की है। ध्यान से हाँ ओके, तो मैंने इस साइड में गड़बड़ कर दी। ओके, तो ये ऑलरेडी वो हुआ है। अरे यार नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, नहीं। ओके ये रहा ओके, तो नहीं जो है। ओ वाओ, ये तो डन हुआ हुआ है, क्या बात है। तो यहाँ पे डन, डन, डन। तो मुझे लगता है कि मैंने क्यूब को सॉल्व कर दिया है। क्या मैंने क्यूब सॉल्व कर दिया है? नहीं, बहुत बड़ा है। मैं कैसे देखूं मेरा ब्लाइंड फोल्ड है? ये व्हाइट लेयर तो कंप्लीट है, ये एक सेकंड, व्हाइट लेयर कंप्लीट है तो फिर व्हाइट एंड येलो कंप्लीट है, सेंटर वाला बिगड़ा हुआ है। सेंटर अपने वाला तो मैंने सेंटर ठीक रखा था, सेंटर तो ठीक है, सेकंड लेयर वो तो मतलब गड़बड़ ऊपर वाले लेयर में आई है। ओके शिट, तो
तो बेसिकली ये हो गया था मेरा खराब, तो मैं उसको रिसॉल्व कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि अब बोर ना हो। तो नहीं है यार, मुझे एक भी नहीं मिल रहा है। अरे एक तो मिल जाए, ये राइट है। वेट, ये भी राइट है, मतलब कि ये तो राइट है, ये करना है। ठीक है, तो बस अभी इसको दोबारा से करना पड़ेगा सॉल्व। डन डन। क्या ये सॉल्व है? तो ओके, कर दिया मैंने सॉल्व। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ऐसे करके सॉल्व किया इसको? मैं ऐसा करके की तस्वीर सॉल्व, या फिर इदा करके। अरे यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि 3x3 रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर से वीडियो डालूंगा सॉल्व करने की। और आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जैसे मैंने क्यूब सॉल्व किया, तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।